गंभीर अभिनेता और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करता एक्टर इरफान खान नहीं रहे। वे दो तीन वर्षों से कैंसर से पीड़ित थे। 7 जनवरी को जन्म लिए इरफान खान की मृत्यु 29 अप्रैल को हो गई। एक समय ये खबर आई थी कि धरती 29 अप्रैल को समाप्त हुए जा रही है, लेकिन वे हमारे योग्य और सबसे काबिल अभिनेता इरफान खान की मौत लेकर चल बसी। 3 दिन पहले ही 95 वर्षीय उनकी माँ सईदा बेगम का निधन जयपुर में हुआ था और इनका निधन मर्मांतक, अभिनेता के रूप में मर्मांतक है। इरफान खान को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म पान सिंह तोमर के लिए मिला था। इनकी कई फिल्में प्रसिद्धि प्राप्त है। चंद्रकांता में बद्रीनाथ को कौन भूल सकता है। इसी के साथ उन्होंने हिंदी मीडियम, फिर इधर ही उन्होंने अंग्रेजी मीडियम फिल्म की शूटिंग की थी। कैंसर की बीमारी से निजात पाने के बाद 2019 में वापसी करते हुए अभिनेता ने अंग्रेजी मीडियम फिल्म की शूटिंग की थी, लेकिन एक तरफ देश और विश्व कोरोना वायरस प्रभावित कोविड-19 से इस तरह जुड़ी हुई है और विध्वंसक परिणाम आ रहे हैं, वहीं हमारे देश के काबिल और योग्य व्यक्ति और अभिनेता इरफान खान भी चल बसे। महानायक अमिताभ बच्चन सहित कई ने इस पर शोक जताया है। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से जंग रहे बॉलीवुड एक्टर इरफान खान की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान इरफान खान ने अस्पताल में आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। इरफान की उम्र 53 साल और कुछ माह की थी। हालांकि इससे पहले इरफान के अचानक अस्पताल में भर्ती होने के बाद अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। खबरें आने लगी कि एक्टर की मौत हो गई है, जिस पर उनका परिवार काफ़ी नाखुश है और एक बयान जारी किया गया। इस बयान में कहा गया कि इस तरह की अफवाहें फैलाना बेहद असंवेदनशील रवैया है। इरफान के स्पोक्स पर्सन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था, उनकी सेहत को लेकर इस तरह से कयास लगाना बेहद दुखद है। किंतु ये खबर, ये कयास आज 29 अप्रैल को सच साबित हुई। इरफान एक स्ट्रॉन्ग शख्सियत है। वह कैंसर से लड़ रहे थे, लेकिन अन्य कैंसर पीड़ितों की तरह बचकर निकल नहीं पाए। इरफान को सादर श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि इरफान खान कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल मुंबई में भर्ती हुए थे और वह आईसीयू में भर्ती थे। उनकी पत्नी सुतापा सिकंदर और 2 बेटे उनके साथ थे। 54 वर्षीय इरफान सचमुच में गंभीर अभिनेता थे और वह जाते जाते दुनिया को, खासकर भारत को, खासकर उनके फिल्म प्रशंसकों को मायूस कर गए। एक मशहूर राइटर रायकल की कुछ लाइंस इरफान ने लिखी। आई फील एन आर्जू टू शेयर विथ यू समथिंग। आई लिव माई लाइफ इन वाइडनिंग रिंग्स विच स्प्रीड ओवर अर्थ एंड स्काई। आई मे नॉट एवर कम्प्लीट द लास्ट वन बट दैट इज व्हाट आई विल ट्राई। आई सर्किल अराउंड गॉड्स प्राइमोर्डियल टावर एंड आई सर्कल 10,000 ईयर्स लॉन्ग एंड आई स्टील डोंट नो इफ आई एम ए फिक्शन, ए स्टॉर्म और एन अनफिनिश्ड सॉन्ग फाल्कन। सादर श्रद्धांजलि इरफान खान को, नमन।